हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रात आधी जमा थी। अपने बिस्तर पर लेटी निशा फोन पर समीर से प्यार भरी बातें कर रही थी, लेकिन समीर ने जैसे ही निशा से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। समीर की बातों को सुनकर निशा ने अपने कांपते होठों से कहा, होटल? कौन सा होटल? होटल ब्लू डायमंड। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी समीर? कैसी गड़बड़? I mean, किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्तों के बारे में? डर लग रहा है निशा। बहुत। तो मिलना कैंसिल कर दें? निशा थोड़ी देर खामोश रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति पंकज की तस्वीर की ओर देखा, फिर कुछ सोचा और समीर से कहा, समीर जब प्यार किया तो डरना क्या, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन निशा समीर से मिलने होटल ब्लू डायमंड पहुंच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर उसी रंग की मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉप्स और खुले बालों में वो किसी अप्सरा की जैसी लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, रूम नंबर 311। होटल के रिसेप्शन पर खड़े रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, थर्ड फ्लोर बाई साइड से चौथा कमरा, मेरी बुकिंग है आज की। जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंची सैंडल पहने खटखट करती हुई निशा रूम नंबर 311 में पहुंची, दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। अभी उसे कमरे में गए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज से निशा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, रूम सर्विस। निशा ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, समीर तुम? नो, निशा मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गया और निशा के पास घुटनों के बल पर बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा कि, मोहतरमा बताइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? निशा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा कि बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे, ढेर सारा। ये कहकर वो समीर के गले लग गई। कुछ देर बाद वो सुध-बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। निशा शादीशुदा थी, पंकज से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन पंकज कारोबार में इतना उलझा रहता कि उसे निशा की कोई फिक्र नहीं होती। 11 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। निशा बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहाँ पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ पंकज का प्यार नहीं था। अरे निशा, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार, माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, 2 महीने रुक जाओ ना, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। कोई नहीं, वो आपने कहा था इसलिए मैंने याद दिलाया, वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है। लेकिन शादी के 3 साल हो गए, पंकज के वो 2 महीने आए ही नहीं जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। निशा ने भी उससे कहना छोड़ दिया, उसे समझ आ गया था कि पंकज सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 12:30 बज गए, हर दिन ये इतनी ही देर से आते हैं। अरे काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है? मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं, इनका वश चले तो ये ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 2 सालों से पंकज शादी की सालगिरह पर निशा को बाहर ले जाने की बात कह रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की 3री सालगिरह की बात है। अरे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों न सिर्फ बाहर खाएंगे बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे, और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 7 बजे कॉल करके याद दिला देना, ठीक है? चलो अब मुझे जाने दो, लव यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ये कहकर पंकज फैक्ट्री के लिए निकल गया, लेकिन रात के 8 बज गए। पंकज घर नहीं आया तो निशा ने उसे कॉल किया, क्या हुआ पंकज, आप अभी तक निकले नहीं है, 8 बज गए हैं। निशा माई डियर वाइफ, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर और यार, मैं निकलता हूँ। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल सनशाइन में छोड़ दे, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। निशा होटल सनशाइन में पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसे 10 बज गए, लेकिन पंकज नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। गलती मेरी ही है, मैं ही उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ, उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम ही है। निशा ने घड़ी की ओर देखा, 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया, इस बार पंकज ने कॉल पिक कर लिया। क्या निशा, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्या? अरे मैं यहाँ काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। लेकिन आपने तो मुझे यहाँ होटल सनशाइन में वेट करने के लिए कहा था। हाँ हाँ कहा था,
लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाओ। सुनो एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। आज एनिवर्सरी है हमारी पंकज। हाँ तो क्या हुआ, एनिवर्सरी है तो क्या हुआ, तुम अकेले इंजॉय कर लो ना स्वीट हार्ट। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। पंकज की बातें निशा के कानों में गूंजने लगी। अकेले इंजॉय कर लो ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला, एक्सक्यूज मी मैम, माय नेम इज समीर, आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? आपको उससे क्या मतलब? देखिए मैम, मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, किसी को बार बार कॉल भी कर रही हैं, कोई आने वाला है क्या? समीर की बातों को सुनकर निशा फूट पड़ी, उसकी आंखों से आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ या निशा का अकेलेपन का दुख उसे संभाला नहीं गया, उसने सारी बातें समीर से कह दी। जानती है, किसी भी रिलेशनशिप को बात कर जो रखता है वो है प्यार। इंसान कितना भी बिजी हो, परेशान हो, टेंशन में हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। निशा और समीर की ये पहली मुलाकात थी और उसी पहली मुलाकात में समीर का जादू निशा पर चढ़ गया था। समीर एक सिंगर था, उसकी एक एक बात निशा को बहुत पसंद आती थी। वो जिस तरह निशा का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात निशा को बहुत अच्छी लगती। समीर को भी निशा बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते। एक दिन समीर ने निशा को प्रपोज कर दिया। समीर, तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे प्रपोज कर रहे हो। क्यों, क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये किसी किताब में लिखा है? किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में इसे गलत समझा जाता है। किस समाज की आप बात कर रही हैं निशा मैम? प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे प्यार ही तो वो शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है, अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? समीर की बातें निशा को समझ तो नहीं आई, लेकिन समीर के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे और उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लांघ दी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि समीर उसका यूज कर रहा है। उसने निशा से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और वो उससे अय्याशी करता था। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है मेरे, अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी निशा को भी लगता था कि समीर उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी, इसलिए समीर का साथ उसे अच्छा लगता। लेकिन आखिर समीर और निशा का रिश्ता कब तक छिपता? आखिरकार पंकज को अपने लोगों द्वारा समीर के बारे में पता लग गया। उसे ये भी पता लगा कि समीर बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज संबंध बना रखे हैं और वो उनका पहले तो फायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। पंकज समीर की असलियत निशा को बताने ही वाला था, तभी एक दिन समीर ने 10 लाख रुपए निशा से मांगे। 10 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं है समीर, और मैं अपने पति से इतने पैसे मांगूंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता निशा, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से पैसे मांग लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। मैं प्यार सिर्फ पैसों से करता हूँ निशा, पैसों से। पैसे दो नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। नहीं समीर, तुम कुछ ऐसा मत करना। पंकज ने निशा और समीर की सारी बातें सुन ली। उसने उससे कहा, वो बहुत बदमाश लड़का है निशा, बहुत बदमाश। कौन, किसकी बातें कर रहे हैं आप? वही जो तुम्हें फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद पंकज ने समीर की सारी असलियत निशा को बताई और उससे कहा, निशा क्या कमी रखी मैंने, तुम्हारे पास महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ? प्यार ही नहीं दिया आपने मुझे कभी। 3 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूँ, जो रहे चाहे ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा, कभी प्यार से मुझे गले लगाया, कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा, नहीं कभी नहीं। काम काम काम, आपके लिए सिर्फ काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। आप भी। पहली बार पंकज को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट्स और अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिसे वो अग्नि के आगे सात फेरे लगा कर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है,
वो सारी चीजें निशा को दे तो रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे दे ही नहीं पाया जिसकी जरूरत उसे सबसे ज्यादा थी। निशा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो बदमाश मेरी घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फोन करिए, मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। निशा ने पंकज को माफ कर दिया, गलती दोनों तरफ से हुई थी ये उन दोनों को एहसास था। उसके बाद पंकज बिल्कुल बदल गया, उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझ आ गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।